बिरला दहन हो जाए, इनका माने स्मृति ईरानी और ममता बनर्जी का, उसके बाद हमारी बातचीत जारी रहेगी। ये समय ऐसा है जिसमें चारों तरफ से आपको अपने हकों पर हो रहे हमलों को रोकना पड़ेगा, और जितना ये फैलेगा काम उतना लोगों को शामिल होने का मौका मिलेगा। अभी आपने सुना इलाहाबाद से दिल्ली तक की बात आई थी, अब खबर आई कि कलकत्ते और दिल्ली का भी संवाद बना है। आपने ये जो ऑक्यूपाई यूजीसी किया है, ये हिंदुस्तान की शिक्षा को बचाने की जरूरी कोशिश है। फेडकूटा यानी फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ टीचर्स एसोसिएशन, उसकी भी यही इच्छा है, लेकिन वो टीचर है तो उतनी दूर तक नहीं जा सकेंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आज की बात जो बनी है, आज एक दायरा बड़ा हो गया, कल तक हमारे विद्यार्थी थे धरने पर और शिक्षक और अन्य संगठन आकर के सहानुभूति बताते थे, आज भाई नरेंद्र मोदी जी के लिए बुरी खबर है। अगर योगेंद्र यादव जैसे यूजीसी के पुराने एक्सपर्ट धरने में शामिल हो गए तो 48 घंटे में यूजीसी चलो का नारा भी लग सकता है, क्योंकि ये घटना ऐसी है जब 8 दिन हो गया। आपको मालूम है इस समय सबकी निगाह शिक्षा पर है, और हजारों लोग अपने बेटे बेटियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, लेकिन उनके साधन सीमित हैं। ये जो नॉन नेट यूजीसी फेलोशिप थी, इसके जरिए बहुतों की नाव पार लगी है। हमको मौका मिला है ऐसे विद्यार्थियों को गाइड करने का जेएनयू में, और ऐसे विद्यार्थियों ने जेआरएफ और एसआरएफ के बराबर काम किया है, क्योंकि पढ़ाई में साधन की जरूरत होती है। साधन न हो तो वही प्रतिभाशाली विद्यार्थी ट्यूशन करने लग जाते हैं, और वही थोड़ा सा साधन मिल गया, हॉस्टल का खर्चा, खाने का खर्चा, कपड़ा धोने के साबुन का खर्चा, तो उसके बाद वही विद्यार्थी बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन जाते हैं, लिंग्विस्ट बन जाते हैं, फिलॉसफी के एडवांस स्कॉलर बन जाते हैं, सोशल साइंटिस्ट बन जाते हैं। जरा सा फर्क है कुछ हजार रुपयों का, और वो देश की ज्ञान धारा को बढ़ाने में साधक बन जाते हैं, ज्ञान शक्ति के प्रतीक बन जाते हैं। और इस पर अभी तक तो आपका धरना एक तरह से विद्यार्थी शक्ति का प्रतीक था, अब इसमें नागरिक शक्ति भी मिलने जा रही है, आपके नेतृत्व में मिलने जा रही है। माँ बाप के लिए वो दिन बहुत खुशी का होता है जब वो अपने बाप की पीढ़ी के बताए रास्ते पर चले। कल तक चमनलाल जी की क्लास में, हमारी क्लास में कन्हैया और शैला जैसे लोग विद्यार्थी थे, आज वो नारा लगा रहे हैं और उस नारे का आवाज में हम अपनी आवाज जोड़ रहे हैं। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत जिम्मेदारी की बात है। चारों तरफ लोग चाय के प्याले पर अखबार पढ़ते हुए कहते हैं ये क्या हो रहा है, कोई कुछ करता क्यों नहीं। उनको मैं कहना चाहता हूं, देखो जो हो रहा है उसको रोकने के लिए ये बहादुर आगे आ गए हैं। किसी भी समाज में 1% लोग माहौल को बनाते हैं और 1% लोग बिगाड़ते हैं। कुछ लोग हैं जो कलबुर्गी से लेकर अखलाक तक की हत्या करने में मशगूल हैं, और कुछ लोग आप जैसे हैं जो देश की शिक्षा में जो छोटा सा एक रास्ता बना था रिसर्च का, नॉलेज सोसाइटी की तरफ हिंदुस्तान को ले चलने का, 200 साल के विदेशी गुलामी से पैदा पिछड़ेपन को दूर करने का, उसमें ये जो अड़चन आ रही है, अनपढ़ लोगों की सरकार की अड़चन, क्रोनी कैपिटलिस्ट सरकार की अड़चन, वो चाहते हैं कि आप जैसे प्रतिभावान लोग उनके नौकर बने बिना पढ़े लिखे। वो नहीं चाहते कि आप अपनी शिक्षा पूरी करें, सर्वोत्तम शिक्षा पूरी करें, और उस पर जेएनयू पर छीटा मारना। भाइयों, 200 विश्वविद्यालयों में जिस विश्वविद्यालय की गणना दुनिया करता हो, दुनिया ने जिसको सर्वोत्तम माना हो, उसको आप अगर निंदा करते हैं तो लोग आपकी अकल के बारे में शक करेंगे कि आप भारत विरोधी हैं या भारत भक्त हैं। तो ही
भारतीय विश्वविद्यालय बच पा रहे हैं इस दलदल में से, शिक्षा के व्यापारीकरण, शिक्षा के व्यवसायीकरण, शिक्षा के भगवाकरण के इस पूरे हमले में, और उस पर भी आप हमला करना चाहते हो तो दांत खट्टे हो जाएंगे भाई साहब। अभी वो तलवार नहीं बनी है जिससे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को मार के खत्म किया जाए, लेकिन वो ताकत जरूर बनी है। पिछले 40 साल में इस विश्वविद्यालय ने देश और विदेश के हर विद्या मंदिर में, हर संस्थान में एक से एक शानदार लोगों को पहुंचाया है, और उनकी सारी आवाज़ इतनी हो जाएगी कि फिर आपकी आवाज़ दब जाएगी। वैसे भी आपकी आवाज़ को कोई सुनता नहीं है। जो BA भी पास नहीं हो वो शिक्षा मंत्री तो बन सकती है, लेकिन शिक्षा विदों के ऊपर, शिक्षा शास्त्रियों के ऊपर उसकी आवाज़ का, उसकी राय का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये मौके की नज़ाकत है, जनतंत्र की हिमाकत है, प्रधानमंत्री की जिद है कि वो चमड़े का सिक्का चलवा दे रहे हैं, लेकिन वो सिक्का विद्या के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में चलने वाला नहीं है। मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आज शिक्षा स्वराज की जो बात चली, ये स्वराज अधूरा है। अगर विद्यार्थियों को पढ़ने की अच्छी से अच्छी सुविधा ना मिले, तो अगर ज्ञान का स्वराज नहीं है, शिक्षा का स्वराज नहीं है, तो ये वोट का स्वराज, संसद में बैठ करके अपने भत्ते बढ़ाने का स्वराज अधूरा स्वराज है। आप जिस काम को कर रहे हैं वो जनतंत्र को आगे बढ़ाने का काम है। अभी भाई चमन लाल जी ने बहुत तकलीफ के साथ कहा कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं, तो इस आरोप से ये मुल्क गुजरा है। आरोप लगाया गया कि देशद्रोही है। कौन है देशद्रोही? जयप्रकाश नारायण। कौन है देशद्रोही? उस समय के तमाम ऐसे लोग जो देश को बचाना चाहते थे, और जिस सरकार ने ये सर्टिफिकेट देने की कोशिश की वो कूड़े के डिब्बे में फेंक दी गई 3 साल के अंदर। ये जो मैंने पूछा, हमको बताया गया कि आपके छात्र संघ के अध्यक्ष को पीटा गया, आपकी वाइस प्रेसिडेंट को चोट लगी है, किस पर हमला कर रहे हो? क्या गायरों की तरह से अपने ही बच्चों पर हमला कर रहे हो, उनको मारने की कोशिश कर रहे हो? तुमको नालायक प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री के तौर पर याद करेगा। और इनको जो चोट लग रही है, एक एक लाठी जो हिंदुस्तान के इन विद्यार्थी नेताओं पर पड़ रही है, ये हिंदुस्तान की विद्यार्थी एकता को पैदा करने वाली लाठी है। ये लोग अगर पिटेंगे, इनको तकलीफ होगी, तो जैसा अभी शिखा ने कहा, ऋचा ने कहा, इलाहाबाद की बेटी ने, आवाज एकता की बुलंद होगी। इसलिए जिनको चोट लगी है उनसे हम माफी मांगते हैं, देश के नागरिकों की तरफ से। कभी कभी हमारे हाथ से गलती हो जाती, हमने एक नालायकों की सरकार बना दी है, लेकिन घबराना नहीं। आप जब तक खड़े रहोगे आप अकेले नहीं रहोगे। आज पूरे भारत से आए हुए शिक्षा स्वराज सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने भाई योगेंद्र यादव जी की सलाह पर रफी मार के मावलंकर हाउस से पैदल चल के यहाँ आने का फैसला किया। आपको देख करके हम में से कई लोग आपके साथ बैठेंगे। आपकी अगुवाई में शिक्षा को बचाने और बढ़ाने का जो ये आंदोलन चल रहा है, उसमें मुझे लगता है, मैं आज से 5 दिन पहले आया था और उस दिन मैंने सोचा था कि आप अगर हफ्ते भर में दिल्ली वालों को इकट्ठा कर लोगे, डूसू, जामिया, अंबेडकर, इग्नू, और महीने के अंदर अगर सम्मेलन कर लेंगे देश भर के साथियों का, तो आपका फैसला इनकी कमेटी के ऊपर भारी पड़ेगा, क्योंकि इनकी कमेटी तो खाली भत्ता लेने के लिए है, वो भी 2000 से बढ़ा के 5000। और कमेटी की मीटिंगों में जो लोग बैठे हैं, हमको भी बैठने का मौका मिला है, कभी कभी आते हैं, पहले से एजेंडा रहता है, सेक्रेटरी साहब और UGC के चेयर साहब की बातचीत हो चुकी रहती है। हम लोगों को खाली काजू खाने का, चाय पीने का और अपने अपने भत्ते का बिल भरने का मौका मिलता है। किसी ने भी अगर अलग से बात कही तो जैसे योगेंद्र यादव ने कही, तो उसको कमेटी से हटा देंगे, उसको कमीशन से हटा देंगे। तो ये नाकारा व्यवस्था है जो अंदर से दलदली हो चुकी है। आपको याद होगा कि UGC को ख़त्म करने का प्रस्ताव था, UGC की जगह कुछ और बनाने का प्रस्ताव था। तो ऐसे संस्थान की तरफ से जो आपके प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है, मैं ये कहना चाहूँगा पूरी जिम्मेदारी के साथ दिल्ली के नागरिक के रूप में और एक विद्यार्थी और अध्यापक के नाते कहना चाहूँगा, समाजशास्त्र के विद्यार्थी के नाते, समाजशास्त्र के अध्यापक के नाते, कि अगर अगले 48 घंटे में गंभीर तरीके से बातचीत नहीं हुई, तो दिल्ली के लोगों को कम से कम हम लोग जो आए हुए हैं UGC चलो का नारा दे सकते हैं। और फिर तब भीड़ बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर ऐसे लोग आएंगे जो इन नौजवानों के कहने पर ही यहाँ से जाएंगे, क्योंकि सारी दिल्ली की निगाह आपके इस शांतिपूर्ण, अहिंसक और न्यायपूर्ण लड़ाई की तरफ लगी हुई है। योगेंद्र जी का आज यहाँ बैठना आपके साथ
और बाकी मित्रों का बैठना ये संकेत करता है कि अगर बाढ़ का पानी इधर मुड़ गया तो 10 काम छोड़ करके फिर यूजीसी बचाने के लिए ही यहाँ लगना पड़ेगा लोगों को, और हमारे लिए ये बहुत जरूरी हो गया। मैं पूछ रहा था बादशाह आलम साहब को, जो जानिया के प्रेसिडेंट है, मैं जान करके खुश हूँ कि जनूटा के प्रेसिडेंट आए, डूटा के प्रेसिडेंट नंदिता नारायण उस दिन आई थी हमारे साथ, और अगर इन सब ने मिल करके कॉल कर दिया भाई क्या नाम है हमारे अध्यक्ष जी का आजकल जो है वेद प्रकाश, वेद प्रकाश जी वेद को जाना हो, प्रकाश थोड़ा बहुत हो तो अपने नाम को सार्थक करो, फोन लगाओ और जो लोग आपको हुक्म देते हैं उनसे कहो कि इस मूर्खतापूर्ण निर्णय को वापस करो, वरना अगर दिल्ली के नागरिकों का यूजीसी चलो का हो गया तो वो सब लोग आ जाएंगे जिनको जेएनयू सीयू बुला के सम्मान जेएनयू कैंपस में करने वाला था। लेखक आएंगे, साहित्यकार आएंगे, फिल्मकार आएंगे, पत्रकार आएंगे, वकील आएंगे, डॉक्टर आएंगे, नागरिक आएंगे। ये गंभीर बात कही जा रही है, इसको मामूली मत समझना आप। और जनता का एक प्रतिनिधि आपके बीच में आज पहले दिन आ चुका है बिस्मिल्लाह करने के लिए, हमारा एक एमएलए तिमारपुर का पंकज पुष्कर। तो साथियों मुझे अफसोस तो यह है कि आपके साथ हम लोग बराबर मिलते हैं किसी एकेडमिक सेनेट हॉल में, किसी सेमिनार रूम में, किसी ऑडिटोरियम में संवाद होता है, ज्ञान धारा आगे बढ़ती है, लेकिन आज ज्ञान की रक्षा के लिए आपके साथ खड़े होना पड़ रहा है। आपके साथ बजाय लाइब्रेरी में मिलने के, लेबोरेटरी में मिलने के, हमको सड़क पर मिलना पड़ रहा है, और ये बड़े खतरे की बात है। जैसे घर में अगर बेटा बेटी रोता दिखाई पड़े तो समझ लो कि परिवार का मुखिया नालायक हो गया है, जो अपने घर के बच्चों की जरूरतों को नहीं समझता। वैसे ही देश में अगर नौजवान सड़कों पर निकल के मचलने लगें और उन पर पुलिस की लाठियां पड़ने लगें और हुकूमत उधर मुंह फेर ले तो समझ लो कि ये हुकूमत नाकारा है, इसके गिनती के दिन। मैं पूरे शर्म के साथ और अफसोस के साथ इस सरकार की इन हरकतों के लिए देश के शिक्षा शास्त्रियों की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारी आवाज़ कहीं तक जा रही होगी तो मीडिया भी, जो अब आपके साथ हमदर्दी रख रही है, थोड़ा ध्यान देगी। और ये जो जानकारियां हैं, जो ये जरूरी मांगे हैं, उन मांगों के बारे में अपनी तरफ से संपादकीय लिखेंगे, अपनी तरफ से इन लोगों की बात को सुनेंगे। मुझे यकीन है कि आपकी ये लड़ाई सफल होगी। थोड़े धीरज की ज़रूरत है, और जैसा मैंने कहा, पूरी जिम्मेदारी से कहा है कि हम अपने सभी मित्रों से बात करेंगे जो शिक्षक आंदोलन के दिल्ली के अगली कतार के लोग हैं, और देश के अन्य विश्वविद्यालयों के, खासतौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लोग हैं, और आईफुक्टू और फिटकुटा के लोग हैं, कि ये लड़के लड़कियां लड़ रहे हैं, इनको अकेला मत छोड़ो, ये बहुत खतरनाक किस्म के लोगों से लड़ रहे हैं। ऐसे लोग जिनका विद्या में कोई भरोसा नहीं है, शिक्षा में कोई आस्था नहीं है, विश्वविद्यालयों को बचाने के बजाय बर्बाद करना चाहते हैं, फिर अडानी और अंबानी की कंपनियां खोलना चाहते हैं शिक्षा की डिग्रियां बेचने के लिए। इसलिए ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था की रक्षा की लड़ाई है। बहाना छोटा है, विद्यार्थियों की फेलोशिप का है, लेकिन बात वाजिब है। तो अगर ऐसा सिलसिला आगे चलाना पड़ गया तो आप यकीन मानिएगा कि आप अकेले नहीं रहेंगे, और आपके साथ आपके शिक्षक शिक्षिका भी शामिल होंगे। आवाज दो, आवाज दो, आमीन।